हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर अभी हो रहा है 3:30 बजे का टाइम। सम्राट विराट दोनों के यूनिफॉर्म खाली हो गए हैं। कल वेडनेसडे है तो कल व्हाइट वाला यूनिफॉर्म लगेगा, तो मैंने सोचा इसको लगे हाथ धुल के डाल देते हैं। और आज सुबह में ही खाने पीने में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि आपको पता है ना, मेरे घर में कुछ रिलेटिव आए थे, तो अगर घर में कोई मेहमान आ जाता है तो थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस हो जाती है रूटीन में। और अक्सर मैंने देखा है कि सबको काम के आगे भूख नहीं लगती। पहले वो लोग सोचते हैं काम ख़त्म कर लें उसके बाद इत्मीनान से बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन मेरा क्या है, मैं खाली पेट काम नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी चल नहीं पाती हूँ बिना ईंधन के। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती है, वैसे जब तक मेरा पेट नहीं भरता तब तक मैं काम के लिए आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। और जितना ज़्यादा मैं काम करूँगी ना, उतना ज़्यादा मुझे भूख लगती है। घर में सबको पता है, तो सब लोग कहते हैं भैया तुमको जब भूख लगा करे तुम खा लिया करो, किसी का इंतज़ार ना किया करो। तो अभी तो एक बहू को सुनकर ये खुशी होगी कि चलो जब सास ने बोल दिया, हस्बैंड ने बोल दिया तो चलो खा लेते हैं। लेकिन मैं किसी के कहने से कोई काम नहीं करती हूँ। जिस काम को करने से मेरा मन संतुष्ट होता है, मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, मैं उसी काम को करती हूँ। तो हमेशा घर में सब बोलते हैं खा लिया करो, लेकिन मैं नाश्ता वगैरह की छोड़ दूँ तो बाकी खाना मैं सबके खाने के बाद में ही खाती हूँ। और यकीन मानिए मेरी सास बहुत अच्छी हैं। अगर आपके आसपास के लोग अच्छे होते हैं तो आपके अंदर की अच्छाइयाँ निकलती हैं, और अगर आपके आसपास के लोग बुरे होते हैं तो आपकी दबी हुई बुराइयाँ निकल के आती हैं। तो अपने जीवन में अगर मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो इंस्पिरेशन मुझे मेरी सास से ही मिली है। तो मैं हमेशा इस बात के लिए ईश्वर को शुक्रिया बोलती हूँ कि मुझे सास ससुर बहुत अच्छे दिए हैं, हर बहुत अच्छा दिया है, जो कि बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में पाना। क्योंकि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, ताकि उसका जीवन अच्छे से चले। और असली दौलत यही है माता पिता की, जब वो सुनते हैं कि हाँ हमारी बेटी अच्छे से रह रही है ससुराल में, कोई उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि आजकल आज़ादी का बहुत गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। जिसको भी थोड़ा सा छूट दे दी जाती है तो पता नहीं वो क्या से क्या करने लगे। खैर, इस बारे में हम बात ज्यादा नहीं करेंगे, ये सबके अपने अपने नजरिए की बात। आगे थोड़ी सी राहत मिली है, बाल बाल बना लो ना तो कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। बाकी तो गर्मी में बुरा हाल है, कूलर के सामने है लेकिन फिर भी पसीना बंद नहीं हो रहा है, देखो कैसे चिपचिपा रहा है चेहरे पर। और इसमें का ना जो टुल्लू है पानी वाला, वो खराब हो गया है, पता नहीं कैसे पानी नहीं उठा रहा है, तो उसको निकाल के बाहर कर दूसरा टुल्लू लगाना पड़ेगा, इसीलिए तो हवा और भी ज्यादा गर्म गर्म लग रही है। तो ये सारे कपड़े कब के सूख गए हैं, लेकिन ये छाया में पड़े हैं ना, तो इसी वजह से इनको नहीं उतारते हैं। जब लाइट आ जाती है तभी उतारते हैं और तुरंत फोल्ड करके रख देते हैं। अभी इस टाइम क्या है कि जब लाइट आती है ना, तो हम लोग एक एक काम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी क्या क्या निपटा ले हवा में, ऐसे तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और सच बताएं ना, अभी इस टाइम जो ब्लॉगर हैं, जो यूट्यूबर हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी गर्मी में जिसको भी कुछ ऐसे सामने से वीडियो शूट करना होता है, उसे तुरंत पंखा बंद करो, बाकी चीज़ें जब जितनी भी आवाज़ वाली सब बंद करके तो वो वीडियो शूट करते हैं। मैंने एक दो टेक्निकल वालों को देखा है, कितने अजीब तरह से वो वीडियो शूट करते हैं बेचारे, मतलब पसीना ऐसे बगल से पोंछते रहते हैं और वीडियो शूट करते रहते हैं। तो कोई भी काम आसान नहीं होता है भाई, सब में मेहनत लगती है। तो अभी यहाँ पर मैं कुछ अलग तरीके से सब्जी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी आलू खा खा के बोर हो गए हैं, तो मुझे लगा कुछ आलू टमाटर के साथ नया ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आलू छील के अच्छे से धुल लिए थे, फिर यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाला है, और इसमें देख रहे होंगे मैंने क्या क्या डाला है, लहसुन प्याज मिर्च टमाटर आलू ये सब मैंने रख दिया है। इसको थोड़ी देर उबालेंगे, इतना जितने के भी आलू थोड़े थोड़े पक जाए, मतलब 80% आलू पकाना है। और बाद में मैंने इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिया है। तो अगर काजू होता ना तो सफ़ेद तिल ना डालते, लेकिन काजू नहीं था तो इस वजह से मैंने सफ़ेद तिल डाला है, थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा नज़र आए। और सच बता रहे हैं, जब से इंडक्शन लिया है ना, बहुत आराम हो गया है। अभी मैंने बाहर से पंखा लगा लिया है, अंदर किचन का काम भी हो रहा है और आलू भी उबल रहे हैं। ऐसे पहले होता था कि जब गैस जलाओ ना तो बस पंखे वाला काम तो बाहर कर दो, और किचन में जहाँ गैस जलती है ना बहुत गर्मी हो जाती है, और इंडक्शन जलने से मैंने देखा है कि उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। ये कह लो कि गर्मी होती ही नहीं है, मुझे तो नहीं लग रही, क्योंकि मैंने पंखा भी चला रखा था ना इसीलिए। तो यहाँ पर अभी दोनों लोग पढ़ाई कर रहे थे, इसी वजह से पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था, तो मैंने सोचा एक बार इसको सेट कर दें, क्योंकि जब भी कभी सोफा अस्त व्यस्त रहता है तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है, फिर बहुत ख़राब लगता है।
जब तक मैं बाहर के काम कर रही थी तब तक मैं ये हमारा आलू उबल गया है। और आलू मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, मैंने पहले ही बताया ना कि ये मुश्किल से 70-80% पकना चाहिए। अगर पूरी तरह से इसे पका लेंगे ना तो फिर ये उबले आलू की सब्ज़ी नज़र आएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप सबको एक बार क्लियर बता दूँ, क्योंकि ये दिख तो रहा नहीं है, इसे तो बताना ही पड़ेगा। तो आलू मैंने अलग कर लिया है और बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने अलग कर लिया है। तो अभी तिल ऐसे नहीं निकल रहा था तो मैंने इसे छन्नी से छान के निकाल लिया है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर हम इसे मिक्सी में चला के पीस लेंगे। चलो पकड़ो खटिया बाहर ले चले। चलो चलो किधर से आप उधर चलो, बहुत गर्मी है, पकड़ो बाहर निकालो। अरे लाइट तो आ गई, लाइट तो आ गई। हम बैठे ही नहीं बाबू, हमको काम है। हवा लो। हवा नहीं लेंगे। पसीना से भीग गई हो बैठो। अरे बाप रे, इतना प्यारा आ रहा है मम्मा के ऊपर, इतना प्यारा आ रहा है। तो काम कौन करेगा? मैं काम। जा फिर खाना बना डालो, हम बैठे रहे, हवा ले लो। अरे रहने दो, आप नहीं कर पाओगे, जितना काम नहीं करोगे उतना मेरे लिए भी काम बनाओगे। बैठो ना। अच्छा ठीक है, हम बैठे जा रहे हैं। ये तो सही बात है, पेड़ हमें इतना सारा कुछ देते हैं फिर भी हम उनको काटते हैं, क्यों काटे उनको, है ना? अगर पूरा पैसा खर्च कर दोगे तो कभी पैसा नहीं आएगा। तो पैसा बचा बचा के रखना चाहिए, है ना? जब मान लो जैसे हम पैसा ले आए हैं तो उसे बचाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बचाना चाहिए। बचाना तो चाहिए, बिल्कुल बचाना चाहिए। संडे का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ। हमें तो संडे नहीं अच्छा लगता, बहुत काम होता है उस दिन। संडे में मुझे मोबाइल देखना रहता है। इनके लिए संडे मोबाइल डे है। त्र्यंबकं यजामहे शिवन्नं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं युगन्धनां मृत्युर्मूलकं। विराटू के पास बहुत बातें होती हैं लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं मिलता है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो उसको थोड़ा सा भी मौका मिलता है कि मम्मी खाली हो गई है ना, तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। तो बस यहाँ पर अब जा रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है और फिर तड़के में मैंने डाला है थोड़े से सरसों के दाने और थोड़ी सी हींग। और ये जब अच्छे से चटक गए थे तो फिर ये मैंने डाला है लहसुन और अदरक, इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। और उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया ना वो भी बाद में डालेंगे, पहले हम थोड़े से इसमें मसाले ऐड कर दें। तो इसमें बस वही बेसिक से मसाले जाएंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। और बाद में फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है अमचूर पाउडर, अगर चाट मसाला हो तो चाट मसाला डाल दें, मतलब थोड़ा सा खट्टा चाहिए। बस थोड़े थोड़े सामान अलग से डाल दो ना तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, ऐसे आप बनाइएगा। क्योंकि आलू क्या है, कई तरीके से बनता है, तो अलग अलग प्रयोग करते रहना चाहिए सब्ज़ी के साथ में। तो बस यहाँ पर मसाले पक गए थे तो मैंने ये पेस्ट जो बनाया था ना टमाटर और प्याज का, ये डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से पका लेना है तब तक जब तक ये तेल ना छोड़ दें, क्योंकि मसाला पकने की निशानी है कि जब वो तेल छोड़ने लगे तो वो अच्छे से पक जाता है। और फिर मैंने ये देखिए डाला है सांभर मसाला, लगभग एक चम्मच के करीब अमचूर पाउडर भी था और ये एक चम्मच के करीब ही सांभर मसाला था। और शाम के टाइम पर ना बहुत लोड होता है तो लाइट बहुत बार जाती है, मतलब पूछो ही मत, बीच बीच में कितनी बार मुझे वीडियो बंद करना पड़ता है वो मैं ही जानती हूँ, आप सबको नहीं दिखाती हूँ। तो अभी अंधेरे में तो हम लोग खाना खाए हैं, बस आ रही थी जा रही थी, तो खाना पीना खा के मैंने किचन ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी देखो सुबह के 5:40 हैं, 6 बजने वाले हैं। तो पहले मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आ जाए तो किचन साफ करें, बर्तन साफ करें, लेकिन मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया, बट लाइट नहीं आई। 11:30 बजे की 12 बजे लाइट आई है, फिर उस समय कौन बर्तन साफ करेगा, कौन किचन साफ करेगा। फिर तो जल्दी थी सोने की, क्योंकि लाइट नहीं रहती ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार तो हम लोग छत पर गए कि थोड़ी सी ठंडी हवा मिले, लेकिन एकदम मौसम शांत था। तो अभी सुबह में मैंने किचन साफ किया है और ये बर्तन सब पड़े हैं, इनको साफ करेंगे।
और आज सच बता रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये रात वाले काम पड़े हैं सुबह के लिए। मतलब दिमाग से निकल गया था कि बर्तन किचन ये सब फैला पड़ा है, बस रोज वाला दिमाग में रटा था कि सब काम रात वाला रात का हो गया, सुबह सुबह का काम करना है, नहीं तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती। तो एक सांस में लगे हैं सारा काम निपटाने में, क्योंकि अभी थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो बच्चों के स्कूल में लेट हो जाएगा। तो अभी कुछ कुछ काम है जो मैं छोड़ती जा रही हूँ, मतलब मैं कपड़े छोड़ रही हूँ, कपड़े नहीं धुलूंगी, नहा धो के बस जल्दी जल्दी आ गए हैं पूजा करने के लिए, और अभी बस दौड़ते हुए मंदिर जाएंगे, मंदिर से फटाफट भाग के आना है। तो चलिए, जहाँ मैं आप सबसे रोज मिलती हूँ ब्लॉग में, आज वहीं पर ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।